और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है, जहां पर 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी नेता अनिल परिहार और उनके पीएसओ की हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। यू मस्ट बी अवेयर दैट इन द पास्ट 1 ईयर 4 इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स हैव टेकन प्लेस इन किश्तवाड़, स्टार्टिंग विथ द किलिंग ऑफ अनिल परिहार वॉज अ सीनियर बीजेपी लीडर, देन द वेपन स्नैचिंग फ्रॉम द पीएसओ ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर किश्तवाड़, देन द किलिंग ऑफ चंद्रकांत शर्मा एंड हिज पीएसओ, एंड सब्सिक्वेंटली लेटेस्ट वन इज द वेपन स्नैचिंग इंसिडेंट ऑफ पीएसओ ऑफ शेख नसीर हु इज ऑल्सो पीडीपी लीडर। नाउ ड्यू टू कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ किश्तवाड़ पुलिस असिस्टेड बाय द सीआरपीएफ द आर्मी एंड द एनआईए टीम विच इज स्टेशन देयर, वी हैव बीन एबल टू सॉल्व ऑल दीज 4 केसेज ऑफ द पास्ट 1 ईयर कमिटेड बाय द टेररिस्ट। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू के कठुआ में 40 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। 40 किलो विस्फोटक कठुआ से बरामद किया गया है। बिलावर इलाके के देवल गांव से यह विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंक की यह बड़ी साजिश रची जा रही थी, इसी विस्फोटक के जरिए यह बड़ी साजिश रची जानी थी, जिसे पहले ही नाकाम कर दिया गया। बिलावर इलाके के देवल गांव से विस्फोटक को बरामद कर लिया गया है और इस तरह से आतंकी यह बड़ी साजिश नाकाम। अमेरिका के ह्यूस्टन में बीती शाम दुनिया ने नमो क्रांति का दीदार किया। भारत और अमेरिका के बदलते रिश्तों की तस्वीर देखी। ट्रंप और मोदी की दोस्ती का दीदार किया। अमेरिका की सरजमी पर राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के मेहमान बन गए। अमेरिका का ह्यूस्टन शहर हिंदुस्तान के रंग में रंग गया। एनआरजी स्टेडियम में जब पीएम मोदी और ट्रंप एक मंच पर हाउडी मोदी कार्यक्रम में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। स्टेडियम 50,000 दर्शकों से खचा खच भरा था और भारत समेत दुनिया के अरबों लोगों की नजरें इसी स्टेडियम पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जोरदार बॉन्डिंग दिख रही थी। और दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति एक मंच पर एक साथ थे। जिस तरह की केमिस्ट्री हमने स्टेडियम में देखी है, अगर आप वो लास्ट शॉट पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से कहते हैं कि चलिए स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैप्पीली उनका हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों हाथ पकड़ के सामने से अपने जो तमाम स्पेक्टेटर्स थे उनको ग्रीट करते हुए जाते हैं हाथों की, क्योंकि हमें बहुत क्लोजली उन लोगों को देखने का मौका मिला। हमारे सामने से भी हमने भी अपने कैमरे में उन्हें कैप्चर किया। जो एक होल्ड होता है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, उसमें जो एक ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है, वो बहुत कुछ कहता है। यही मंच था जिस पर ट्रंप और मोदी ने आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध के शुरुआत का ऐलान किया। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया जानती है 9/11 और 26/11 के साजिशकर्ता कहां छिपे। वहीं ट्रंप ने खुलकर कहा कि इस्लामिक आतंकवाद से भारत और अमेरिका मिलकर लड़ेंगे। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है
आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. ट्रंप और मोदी की बेजोड़ केमिस्ट्री को एनआरजी स्टेडियम में मौजूद लोगों ने भी महसूस किया. आपको प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो दिखाई दी, जितनी मजबूती के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे की पीठ थपथपाना, एक दूसरे के कान में कुछ कहना, जिसे जो घनिष्ठ मित्रों के बीच होता है, गहरी दोस्तों के बीच होता है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं. अच्छे दोस्त एक वो खाली अपने दोस्ती अपने लेवल तक ही नहीं रखना चाहते हैं, दोनों देशों को अच्छी तरह से मिलाना चाहते हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ट्रंप मुझे बहुत बढ़िया नेगोशिएटर कहते हैं. मैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, आपने वही हुई उसी पर. तो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत बड़ा बढ़िया नेगोशिएटर कहते हैं, और अपना डोनाल्ड ट्रंप जी चुपचाप सारा काम करवा लेते हैं. 5 साल के मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में हुए बदलाव का जिक्र ट्रंप ने किया तो मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की खूब तारीफ की. He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, ab ki baar Trump sarkar. इतिहास का साक्षी बनने का मौका मिला, वो खुश हैं, अपने आप को लकी बता रहे हैं. और प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच केमिस्ट्री इस हिस्टोरिक इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट बात मानी जा रही है. जी मैम, आप स्लोगन के 1 2 3 4 हमको है मोदी से प्यार, 1 2 3 4 हमको है मोदी से प्यार, 1 2 3 4 हमको है मोदी से प्यार. तो मोदी जी के चाहने वालों के साथ हिस्टोरिक इवेंट के गवाह बनने के बाद कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं आदिति त्यागी ह्यूस्टन से जी मीडिया के लिए. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे.